नुक्ताची, जो हो रहा है उसकी इस लगातार की नुक्ताची से वो बहुत खतरनाक है। मेरे सारे संगीत का खो जाना, नुक्ताची यानी मुश्किल हो बताना। मेरे सीढ़ी चढ़ते एक आवाज़, मेरे सीढ़ी चढ़ते एक आवाज़, बूढ़े की खांसी सी कईयों द्वारा दोहराई गई, मेरे दफ्तर से शुरू होकर मेरे घर तक बताती पहुँच उनकी ज़िद्दी पहुँच, जो लड़कियों के कमरे से नहीं हटती, उनके दरवाज़ों के बाहर की इन उन दस्तकों में होती है उपस्थिति उसकी, उनके प्रेम संबंधों में खास कर, और प्रेमी भी आजकल निराले, प्रेमिकाओं के दफ्तर में उनके ही बोल बाले हैं, और हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे से बहस, और वो भी पसंद पर, उन ढेर सारी चीज़ों पर जो कारण से परे हैं। और आप मार्क्सवादी न भी हो, मानवतावादी हैं, और बौद्धिक क्रांति के तहत लिबरल और खुले दिल से मिलना बातें आपकी फितरत, और ला दी जाए बहस ये कि कुछ इस अंदाज से पेश आए आप जिससे वो लोग आते हैं जिन्हें अपने बॉस को खुश रखना काम करने से भी ज्यादा आता है। जिस अंदाज से कलाकार पेश नहीं आते ऐसी उनकी धारणा है, पर किसने कहा कलाकार तो खुशामदी की वो छटा बांटते हैं कि नामुमकिन है बयान। पर ये नुक्ता ची, कल मौसम था, फिर गाड़ी की जगह चलने की हिमायत, चलने को लेकर तमाम बातें, तमाम राजनीति पिघलती हुई फिसलन भरी बर्फ पर, गाड़ियों से भरे देश में जहां कई बार लोगों के बैंक के लोग उनकी गाड़ियों की कीमत से ऊपर होते हैं, और आपका उद्देश्य हो दौड़ पाना लंबी दूरियों तक, और बात भयानक रूप से चलने पर अटकी हो, रास्ते के हर मोड़ पर अजब अजब लोगों को पेश कर डरा कर भी आपको, और ऊपर से ये नुक्ता ची, जहाँ कहीं भी रहें आप, और बिल्कुल गैर ज़रूरी कि पूछा था आपने रहने की जगह के बारे में। दोस्तों, पसंद आई मेरी ये कविता नुक्ता ची? आशा है आपको मेरे पांचवे कविता संग्रह गीतिल रातें से, आप इसे ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें सुनने के लिए।